और यहाँ पर मेरे कानों पर ये डोरेमोन सा अटक रहा है, लेकिन मेरे बर्थडे के लिए मुझे इतने सारे गिफ्ट मिले, मेरा एक पूरा रूम गिफ्ट से भर गया। अभी आपको दिखाती हूँ, ये रहा वो रूम। यहाँ पर काफी मैसी है, लेकिन यहाँ पर आपको सारे जो मेरे गिफ्ट्स है ना वो यहाँ पर रहे पूरे। लेकिन ये सब अनबॉक्स करने से पहले मुझे मेरे कुत्ते की ये जो हेयर स्टाइल है ना थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अगर तूने मुझे वापस कुत्ता बोला तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुत्ता नहीं बोला, तुझे गलत सुनाई दिया। देख तेरे कानों में इतने सारे बाल आएंगे तो सही सुनाई कैसे देगा, है ना। मंगमंग ऑलरेडी उदास हो रहा है क्योंकि उसको हेयर सलून और हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मंगमंग तो टेंशन मत ले। ये वाली है मेरी धूप की छतरी। अगर आपको याद है किसने मुझे गिफ्ट करी है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरी व्लॉग्स गौर से नहीं गौर से देखता है। गाइस देखो यहाँ पर कौन है। गेट बंद हो जा। वो रहा हमारा प्यारा दुला रवि। सितंबर हो गया लेकिन इतनी गर्मी हो रही है, हम दोनों की हालत खराब हो रही है। यहाँ पे इतने पसीने बहाने के बाद में हम फाइनली आ गए। ये रहा वो हेयर शॉप। ये बाहर से महंगा दिख रहा है, अंदर से कितना महंगा होगा। मुंगमुंग की पूछ देखो गायब भी हो गई, मुंगमुंग को पता चल गया। मुझे यहाँ पर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे घर जाना है। इस कुत्ते ने बालों पर क्लिप लगा रखी है। मम्मी बाय बाय। वाह इंसान है। इंसान किंसान है। ये मंजर तो थे। वाह ओ 3 घंटे बाद में मिलते हैं मामा। बाय बाय। नहीं क्योंकि मुझे 3 घंटे वेट करना था तो मैं इस मस्त वाले कॉफी शॉप में आ गई जहाँ पर मेरे सामने ये कपल थोड़ी नॉटी नॉटी हरकतें कर रही थी। और इस तरफ है यहाँ पर है ओप्पा। और यहाँ पर आज शाम को मोमो के साथ हम उस वाले रिवर में जाएंगे। मुझे ये सारे केक ट्राई करने, लेकिन मैंने ऑर्डर करा है ये वाली मैंगो आइसक्रीम। और बाय द वे ये रही मेरी आज की फैशन। हमारा ऑर्डर आ गया। नहीं वाह गाइस देखो कितनी बड़ी है। ओ बस इसको गिराना नहीं है। वाह अभी जल्दी से इस मैंगो आइसक्रीम पर टूट पड़ते हैं। वाह ओ नो मुझे भूख लगने लग गई तो मैंने और कुछ खाना ऑर्डर करा है जो कि अभी ऊपर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर है ब्रेड, यहाँ पर है मेरा एक्सप्रेसो और ये रहा उप्पा का आइस अमेरिकानो। ये जो बाहर का व्यू ना कितना सुंदर आ रहा है यहाँ पर। इतना घटिया एस्प्रेसो मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं पिया। इतना कड़क था मैं उसे पिया नहीं जा रहा था, तो मैंने बोला उप्पा आप भी ट्राई करके देखो इसको, और उनका रिएक्शन ये था। गाइज अभी हम मोंगमोंग को लेने जाएंगे। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मोंगमोंग का जो लुक है ना वो कैसे बदल गया। मुझे डर लग रहा है कि मोंगमोंग के कुछ ज़्यादा पैसे ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि 6,000 रुपये तक आ सकते हैं जो कि कोरियन वन में होते हैं 100,000, लेकिन उन्होंने ऐसा भी बोला कि और भी ज़्यादा लग सकते हैं डिपेंडिंग कि मोंगमोंग कैसा बिहेव करता है। ₹6,300 का आया है। हमें छापरे के जो पैरों की डिजाइन करवाए ना ये सबसे ज्यादा महंगी आई है। गाइस कमेंट में मुझे बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। मुंगमुंग बैठ। वाओ मुंगमुंग बात भी सुनता है मेरी अच्छे से। अभी कुछ ही देर बाद में वहाँ की जो ऊपर की लाइट है ना वो ऑन हो जाएगी। गाइस देखा आपने ऑन हो गई। यहाँ पर मोंगमोंग को पानी पिलाते हैं। अभी हम जल्दी से घर पर चलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस अभी मैं और मोंगमोंग वापस घर पर आ गए और अभी टाइम हो चुका है अनबॉक्सिंग करने का मेरे सारे बर्थडे गिफ्ट। एक्चुअली अभी कुछ बर्थडे गिफ्ट आने बाकी है तो वो मैं आपको बाद में दिखाती रहूंगी। सबसे महंगा गिफ्ट इसके अंदर है जो कि आया है ऑलमोस्ट 1 लाख का, और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं साथ में थी। वाला है कार्टियर स्टाइल 24 या 22K गोल्ड का है, तो
जो प्रॉपर गोल्ड होता है ना उसका, इसलिए वो इतना महंगा है। के बाद में ये वाले बैग्स तो आपने ऑलरेडी मेरे जापान ट्रिप में देखे होंगे, तो ये वाले एक ब्रांड ने मुझे भेजे जिसका नाम है टेडी ब्लैक। एक और उन्होंने भेजा है मेरी मम्मी के लिए, वो रहा बैग। तदान, अच्छा खासा बड़ा वाला बैग है, मम्मी को ऐसे बैग पसंद होते हैं जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा आ सकता है। बैग से मुझे याद है मुझे और भी बैग्स मिले हैं गिफ्ट में, अभी रुको एक सेकेंड। फेमस लेडी है कोरिया में जो की यूट्यूब पर आती है, उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये वाला बैग करा है। तो ये वाला जो वीगन लेदर होता है ना, वो वाला हैंडमेड बैग है। और हम सब जब हमें गिफ्ट मिलता है तो हम चेक करते हैं कि उसका प्राइस कितना होता है, तो मैंने ये वाला ब्रांड चेकआउट करा था और ये काफी महंगा बैग है, इतने का आया। थैंक यू अन्नी ये मुझे गिफ्ट करने के लिए। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन जो कोरियन लोग होते हैं ना, उनको खाने पीने का जो हेल्थ के लिए अच्छा सामान होता है ना, वो वाला बर्थडे पर गिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, उनको पता है कि मुझे खून की कमी है, तो उन्होंने मुझे जो अनार की जेली होती है ना विटामिन की, वो वाली इसके अंदर भेजी है। तदान, ये रही वो जेली। जो नंबरजीन है ना, उनके जो वर्कर है ना, उन्होंने मुझे ये वाला, ओ यहाँ पर है अलग अलग कलर्स, और ये क्यूट सा इनके साथ जो चाबी का छल्ला होता है ना, वो वाला भी है। इसके अंदर आप ये वाली जो लिपस्टिक है ना, इसके अंदर डाल सकते हो। ये रहा यहाँ पर मिरर। अरे हाँ, इसके अंदर एक लॉन्डे ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये वाला मैं अभी आपको रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको एक स्नीक पीक दिखा देती हूँ किसने मुझे दिया है। नंबरजीन ने एक और गिफ्ट भेजा था जो कि है, ओ माय गॉड, ये रहा मस्त वाला महंगा वाला स्किन केयर। ये वाला है कोरियन ग्लास स्किन सीक्रेट वाले सारे प्रोडक्ट्स। बाय द वे मुझे इस साल इतना स्किन केयर मिला है गिफ्ट में, इतना स्किन केयर मिला मैं आपको बता भी नहीं सकती। स्किन केयर यहाँ पर रहा राइस वाटर, ये है फेस पैक, और ये है बालों में लगाने के लिए। इसके अंदर रहा प्रोटीन वाला स्किन केयर, तो ये रहा पूरा सेट। इसके अंदर भी रहा मोर स्किन केयर। क्यूट से पैकेट के अंदर मुझे लगा कोई मिठाई वगैरह होगी, लेकिन ओके तदान, ओह माय गॉड, ये वाला है कुशन फाउंडेशन। ये है कुशन फाउंडेशन, ये रहा इसका कुशन, और इसके नीचे जो प्रॉपर फाउंडेशन है ना, वो वाला है, लेकिन ये वाला मैं बाद में यूज करूंगा। यहाँ पर रहे सारे शेड्स। अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा थोड़ा बहुत सिमिलर है ना, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इतने सारों का मैं कुछ करने नहीं वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जो स्किन केयर मुझे मिला है और जो थोड़ा बहुत मुझे मेकअप मिला है ना, उसको मैं गिव अवे कर देती हूँ। इसके अंदर क्या है, किसी ने मुझे हवा गिफ्ट करी है, वाओ। ओके, मेरे माल इसके अंदर है, ये है एक फेस मिस्ट। एक्चुअली ये वाली मैंने ऑर्डर करी है, पहली बार मैंने मिस्ट खरीदी मेरी लाइफ में। शनेल की कुछ चीज है गाइस, ये शनेल का महंगा वाला गिफ्ट एक ब्रांड की सीईओ ने उन्होंने मुझे भेजा है, वो बहुत ही स्वीट है। तदान, ये है शनेल की लिपस्टिक। ये वाला गिफ्ट मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट करा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये है बॉडी शॉप का ट्रेवलिंग सेट, इसको ऐसे खोलते हैं, सो क्यूट। ये है बॉडी योगर्ट, ये शावर जेल, हैंड क्रीम, और ये है स्पॉन्ज, जब आप नहाते हो ना तो ऐसे मैल वगैरह उतार सकते हो इसके साथ। बहुत सारा जो कॉन्वर्स टोक्यो है ना, वहां से मुझे जिन्होंने मुझे ट्रिप गिफ्ट करी थी ना, जो मेन सीईओ है ना, उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत बड़ा जो शॉपिंग मॉल आता है वहां पर लेकर गए थे, और उन्हें बोला पूनम तुझे जो चाहिए मैं तुझे खरीद के दूंगा। सबसे पहले वो लुई विटॉन के जो स्टोर होता है ना, शोरूम, उसके अंदर गए, बोला पूनम तुझे क्या चाहिए, तो मैंने लुई विटॉन देखकर मैंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे महंगे बूजी वगैरह चीज़ें, लक्ज़री चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कि आप मुझे कुछ मत दो। उन्होंने बोला नहीं पूनम, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमें कुछ खरीदना होगा। तो वहाँ पर पास में मुझे ये कॉन्वर्स का मुझे ये स्टोर दिखा, तो मैंने बोला कि यहाँ से कुछ ले लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद वो लुई विटॉन से सस्ता होगा, लेकिन नहीं, कॉन्वर्स टोक्यो है ना जापान का, बहुत ही फेमस है और वो भी काफी महंगा होता है। ये रही वो शर्ट, ये वाली शर्ट मैंने जोंगकुक के वाले बर्थडे में पहनी थी, उसके बाद में हाथी पिन ने बोला कि एक टी शर्ट से काम नहीं चलेगा, ये वाला हुडी भी ले लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल लग रहा है लेकिन काफी रियल में अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो महंगा कितना है ये वाला। और उन्होंने ये वाला कॉन्वर्स का जैकेट होता है ना, वो वाला भी दिया है, पीछे लिखा हुआ है कॉन्वर्स टोक्यो, ये वाला ओवर साइज जो जैकेट होते है ना, वो वाला है। और लास्ट में उन्होंने ये वाला भी दिया, ये एक ट्रेडिशनल जो जापानीज फैन होता है ना, वो वाला है, टिफनी का गिफ्ट है। इसके अंदर अभी आपको दिखाती हूँ क्या है। नंबरजीन ने मुझे एक और सरप्राइज दी, ये मस्त वाला केक मुझे सेंड करा, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं ओप्पा और जो मेरी ओन्नी है ना, उनके साथ ही केक कट करूँ।
तो गाइस अभी हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं, हमारे खाने का वेट कर रहे हो। ये रहा हमारा क्यूट सा केक। Cause today is such a special day, and I just wanna celebrate with you, with you. Guys, हमने खाना almost सारा खा लिया है और अभी हम इस केक को काटते हैं। ये रहा हथौड़ा, so cute. Happy birthday, Queen Korea. चुम्बक उड़ा रहा है, चुम्बक। I can see something inside. Man. That's yum, yum. Whoa. Whoa. Oh. Ah, oh. 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 गाइस आप भी खा लो केक। सो आज के सिर्फ इतना ही, होप कि आपको आज का भी ये वीडियो पसंद आया। अगर जरूर सब्सक्राइब करना और मैं आपको जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू। बहुत ही अजीब आदत है जिसको देखकर आप सोचोगे कि ये लड़की बहुत ही साइको पागल है। तो बेसिकली मैं ऊपर से कभी भी कोई पैकेज नहीं खोलती, जो उसका उल्टा नीचे वाला पार्ट होता है ना, तो मैं वहां से ही उसको खोलती हूँ क्योंकि वो मुझे ज्यादा आसानी से खुल जाता है। मेरे कोरियन डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि पूनम तू है ना उम्र से ज्यादा पहले बुढ़ी हो जाएगी क्योंकि तेरी स्किन ड्राई है, तो उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ये मिस्ट ऑर्डर करी है। मेरे अलावा मुंगमुंग को भी गिफ्ट मिला, इवन तो इसका बर्थडे नहीं है। तो मेरी ओप्पा के जो राखी ब्रदर है ना, उनके फ्रेंड ने मुंगमुंग के लिए ये 200 वन का बेड भेजा है मुंगमुंग के लिए। कुछ कपड़े भी भेजे हैं और उन्होंने, उनको पता है मुझे BTS पसंद है, तो उन्होंने ये वाली किताब भेजी है BTS की। बिहाइंड द सीन वाली स्टोरीज होती है ना, या फोटोज वगैरह एक्सप्लेनेशन के साथ, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अंदर रहेगी वॉच और ये वाला गुच्ची का गिफ्ट मेरा नहीं है। आपको जल्दी से मेरे नेक्स्ट मेन चैनल पर एक वीडियो आएगा, उसमें पता चलेगा कि क्या है।